योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस समारोह में रेस फॉर लाइफ सर्कुलर इकोनॉमी एवं लोकल क्लाइमेट एक्शन विषयक कॉन्फ्रेंस में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस के आयोजन की शुरुआत के साथ पर्यावरण संकट पर चिंता 51 वर्ष पूर्व से की जा रही है। 51 वर्षों की आर्थिक विकास यात्रा में पर्यावरण कहाँ छूट गया या चिंतनीय है। पर्यावरण पृथ्वी जल वायु पेड़ पौधे सबका समन्वित रूप है। हम सबकी रचना भी पांच तत्वों के इर्द गिर्द हुई है। हमारा जीवन चक्र व सृष्टि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमने सृष्टि के तत्व जल वायु को प्रदूषित किया है। इसका खामियाजा हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों के रूप में भुगतना पड़ रहा है। हमारी संस्कृति नदियां वृक्षों वायु की पूजा करने की रही है। इस मौके पर वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, सदर सांसद रविकिशन शुक्ला, अपर मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण मनोज सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विधायक फतेह बहादुर सिंह, महेंद्र पाल सिंह, विपिन सिंह, डॉक्टर विमलेश पासवान, प्रदीप शुक्ला, सरवन निषाद, मुख्य वन संरक्षक ममता संजीव दुबे, प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात, नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल, प्रभागी वन अधिकारी विकास यादव सहित अन्य उपस्थित रहे। माध्यम से आय का सृजन कर प्लास्टिक कचरे की समुचित प्रबंधन किए जाने हेतु सहायक सिद्ध होगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने इसका विमोचन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। के माध्यम सीमेंट प्लांट में को प्रोसेसिंग हेतु स्थापित अभिनव व्यवस्था संबंधी फोल्डर का भी विमोचन। जोरदार तालियों के साथ अपने शुभ कर कमलों से ये पोस्टर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट कर दीजिए। आज का ये शुभ मौका, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं पर्यावरण को बचाने के लिए अपने दैनिक जीवन में हर संभव बदलाव लाऊंगा। मैं यह भी वचन देती हूँ कि मैं अपने परिवार मित्रों और अन्य लोगों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और व्यवहारों के महत्व के विषय में सतत रूप से प्रेरित करूंगी। भारत माता की जय। हमने जल को प्रदूषित किया, आज आप देखते होंगे गांव हो या शहर, नदी हो या नाले, आप में से सभी लोग सोचे ईमानदारी से, क्या हमने उनको क्षति नहीं पहुंचाई? जिस जल के बगैर जीवन नहीं, उस जल में हमने उसको प्रदूषित कर दिया। गांव में आप देखते होंगे पहले गांव का तालाब गांव में उपयोग होता था, और बाद में लोगों ने क्या किया, गांव के पूरा ड्रेनेज पूरा सीवर उसी नाले में उड़ेल दिया। आज क्या है, पहले गांव में लोग बीमार नहीं होते थे, आज तमाम प्रकार की बीमारियां गांव में आती हैं। जल जनित बीमारियां भी हैं और वेक्टर जनित भी तमाम बीमारियां हैं, मलेरिया फाइलेरिया डेंगू कालाजार इंसेफ्लाइटिस, ये तो है ही बड़े पैमाने पे, स्किन से जुड़ी हुई तमाम प्रकार की बीमारियां भी उसके साथ हम लोग लेते गए। व्यक्ति की कमाई का एक बड़ा हिस्सा आज उसके उपचार में खर्च हो जाता है। परिवार में लगातार बीमारियों की दर बढ़ी है, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करने का परिणाम क्या है? आप सोचिए कि हमारे भारतीय मनीषा ने
जब अपने मंत्रों को रचा होगा उस समय उन्होंने प्रत्येक इस सृष्टि के जुड़े हुए इस चराचर जगत के जुड़े हुए प्रत्येक वस्तु के कल्याण की बात की। उन्होंने कहा द्यो शांति पृथ्वी शांति, यानी ये क्या है, जल में शांति हो, पृथ्वी में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, हर एक हो शांति। शांति का मतलब यानी हम इसको प्रदूषण से मुक्त करें, किसी भी प्रकार का कोई इसमें प्रदूषण ना हो, किसी भी प्रकार का अपशिष्ट इसमें ना गिरे, किसी प्रकार की अशांति का एक कारण ना बने, अराजकता का कारण ना बने। ये भारतीय मनीषा की सोच थी। अपर मुख्य सचिव महोदय, और इसी के साथ आप सभी का आभार बहुत